हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है। अब तक हमने जो पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ी, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, राइट, और वहां केमिकल चेंजेस आए। उसके बाद हमने कंडक्टेंस पढ़ी, जहां हमने इलेक्ट्रिसिटी दी बट कोई केमिकल चेंज नहीं आए, सिर्फ हमने ये देखा कि आयंस कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेंगे, ठीक है। एक बात मैं कंडक्टेंस के बारे में बताना चाहूंगा कि जब भी हम कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं, हम हमेशा एसी यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने वहां डीसी यूज की तो कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि व्हाई वी यूज ओनली एसी टू कैलकुलेट द कंडक्टेंस बट नॉट डीसी, डायरेक्ट करंट यूज नहीं करते, अल्टरनेटिंग करंट यूज कर क्यों करते हैं? क्योंकि डीसी से वहां इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेंगे, राइट। ये सेल हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे जितनी भी बैटरीज हैं, चाहे वो इन्वर्टर की बैटरी हो, चाहे आपके घड़ी की बैटरी या घड़ी का सेल मैं कह सकता हूं, चाहे आपका और कहां कहां यूज होता है, चाहे आपके गाड़ी में बैटरीज जो यूज होते हैं वो, राइट, इन सब के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ओके। चलिए देखते हैं बच्चों कि ऐसा कैसे होता है केमिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल ये लुई गैल्विना ने बनाई थी सबसे पहले, लुई गैल्विना, ही वाज फ्रॉम इटली, राइट। तो उसके नाम पे गैल्वेनिक सेल हमने इसको नाम दे दिया, लुई गैल्विना के नाम पे गैल्वेनिक सेल हमने इसे कहा। जरा देखिए बच्चों ये कैसे काम करती है। हम ना एक मेटल लेते हैं और उसको उसके आयन के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। जैसे हमने यहां कॉपर लिया, कॉपर मान लो ये कॉपर का बना हुआ है, राइट, ये जो देख रहे हो ये रोड, राइट, कॉपर की बनी हुई है। इस रोड को हम इलेक्ट्रोड कहेंगे, ओके। ये इलेक्ट्रोड कॉपर की बनी हुई है और हमने इसे डिप कर दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, CuSO4 सॉल्यूशन, मतलब पानी, पानी में घुला हुआ ये एक्वस, राइट, मतलब सॉल्यूशन का मतलब पानी नहीं होता, बट यहां हमने जो सॉल्यूशन बनाया है वो वाटर में बनाया है, तो कॉपर सल्फेट को पानी में घुल दिया और हमने कहा ये एक्वस को कॉपर सल्फेट है। हमने ये भी कहा कि हमने मेटल को उसके आयन के सॉल्यूशन में, भाई कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा उसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस घूम रहे होंगे, तो हमने कॉपर को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, राइट। दूसरी तरफ हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ये जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट एक्वस, राइट, और यहां हमने जो इलेक्ट्रोड यूज की वो यूज की जिंक। इन दोनों में अगर आप सिमिलरिटी देखो तो ये है कि कॉपर यहां कॉपर आयन के सॉल्यूशन में डिप्ट है, जिंक यहां जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, राइट। दोनों में कॉमन ये है, समानता ये है कि हमने दोनों में ही मेटल को उसके आयन के सॉल्यूशंस में डिप किया है। हमने इनको कनेक्ट किया किसी वायर के थ्रू और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जिसका पर्पज है हमें यह बताना कि वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है बच्चों। तो यहां हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जिसकी नीडल हमें यह संदेशा देगी कि वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां होता क्या है, केमिकली यहां क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कॉपर एक्सेप्ट करता है। जिंक ही इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, कॉपर ही एक्सेप्ट क्यों करता है, कॉपर लूज क्यों नहीं करता, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट फिलहाल जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट, और जिंक से बन जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। यहां जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और वो बन गया जिंक 2 पॉजिटिव आयन। ये रिएक्शन यहां हो रही है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से निकले उस साइड गए,
ऑक्सीडेशन हो रहा है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। बट एक और बात है कि ऑक्सीडेशन तभी होता है जब किसी का रिडक्शन हो। तो यहां से जब जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कॉपर यहां एक्सेप्ट करेगा। याद रखें, इन दोनों में से एक भी बात अगर नहीं हो रही तो कोई भी नहीं होगी। मतलब अगर कॉपर यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां से जब वो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कॉपर टू पॉजिटिव, कॉपर टू पॉजिटिव कहां है, इस सॉल्यूशन के अंदर, राइट। यहां इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये इलेक्ट्रोड, राइट, ये इलेक्ट्रोड। यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है कौन, ये इलेक्ट्रोड नहीं, इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट कॉपर टू पॉजिटिव आयंस। कॉपर टू पॉजिटिव आयंस जिंक के द्वारा दिए गए दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और वो कॉपर में बदल जाएगा। तो ये दो रिएक्शन इन दो बीकर में हो रही है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, राइट, और कॉपर एक्सेप्ट कर रहा है। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर एक्सेप्ट कर रहा है, लूज एक्सेप्ट, लूज एक्सेप्ट। तो इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ओके? तो हम देखेंगे, जैसा कि हमारी फिजिक्स की एक हाइपोथेसिस है, एक फिजिक्स एक बात मानती है कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो करंट ऐसे मूव करता है, राइट। मेरे ख्याल से जहां तक हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि सिर्फ ऐसा माना जाता है, इसके पीछे का लॉजिक तो शायद फिजिक्स के पास पता नहीं है, यानी हम सॉरी हम बात नहीं करेंगे फिजिक्स की, ओके, बट वो ऐसा मानते हैं, ओके, बट मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करते हैं तो हम मानते हैं करंट उस तरफ जाएगा। शायद इस बात को मानकर वहां कुछ एक थ्योरीज या कुछ एक बातें प्रूव भी की जाती है फिजिक्स में, ओके। खैर, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट उस साइड मूव करेगा और इस करंट की वजह से, इस इलेक्ट्रिसिटी जो यहां प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से हमें यहां डिफ्लेक्शन दिखाई देगी। गैलोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट होगी, राइट। इस डिफ्लेक्शन के आते ही हम समझ जाएंगे कि वहां करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, ओके। तो जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, राइट। अच्छा, जिस पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है। तो बच्चों यहां जिंक एनोड का काम कर रहा है, ओके। अगर मैं यहां की बात करूं तो इस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है तो हम इसको कैथोड कहेंगे, ओके। ये एनोड है, यहां ऑक्सीडेशन हुआ है, ये यहां रिडक्शन हुआ है, तो ये कैथोड है, ओके। एक और बात जो यहां हमें देखने को मिलती है कि जो एनोड है हम उसको यहां नेगेटिवली चार्ज दिखाते हैं, राइट, देखने को नहीं मिलती, हम जबरदस्ती इसे दिखाते हैं, ओके। तो यहां जो एनोड है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हम उसको नेगेटिव दिखाते हैं और कैथोड को पॉजिटिव। इस बात पे स्ट्रेस डालने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखेंगे तो वहां एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव। अगर आपने जितने भी इससे पहले सेल देखे हैं, राइट, इससे पहले जितने भी सेल देखे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है वहां कैथोड को नेगेटिव और एनोड को पॉजिटिव हम मानते हैं, राइट। और जहां पे आपने इलेक्ट्रिसिटी दी है हमने उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा है। यहां इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, यहां एक छोटा सा फर्क हम ये दिखाते हैं कि एनोड को नेगेटिव कहते हैं, राइट, हम ये मानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कैथोड को यहां पॉजिटिव दिखाया जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एक ये डिफरेंस आप जरूर याद रखेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैव एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड कैथोड इज नेगेटिवली, बट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैथोड इज पॉजिटिव एंड एनोड इज नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये सेल हमारी काम करती है, बट ये गलत है। इसमें गलत क्या है कि जो हमने अब तक बात की वो सिर्फ थ्योरेटिकल बात थी, प्रैक्टिकली ये सेल काम नहीं करती। इस सेल के काम ना करने की वजह ये है कि जैसे ही बच्चों जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट, वो जिंक टू पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रोड है मेरी जिंक, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगी ये बन जाएगी जिंक टू पॉजिटिव, राइट। जैसे ही जिंक टू पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि हमें एक बात याद है, जिसपे चार्ज है वो बिना घुले रह नहीं सकता, तो जैसे ही जिंक से जिंक टू पॉजिटिव बनेगा वो सॉल्यूशन में घुलने लगेगा। अब एक चीज देखिए बच्चों, एक चीज देखिए कि अगर मेरे पास जिंक सल्फेट था इस सॉल्यूशन में तो जितने जिंक आयन थे उतने सल्फेट आयन थे।
ओवरऑल दोनों चीजें बराबर थी, टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव, राइट right? तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल था, बट अगर यहां जिंक टू पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा इलेक्ट्रोड से तो इसकी न्यूट्रलिटी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये न्यूट्रल नहीं रहेगा, और हर कोई चीज न्यूट्रल रहना चाहती है। अगर न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, जिंक टू पॉजिटिव नहीं बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो इस साइड कौन आएगा, इस साइड अगर कोई नहीं आएगा तो यहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। यहां पे भी आप ये बात देख सकते हैं कि जैसे इस सॉल्यूशन में कॉपर टू पॉजिटिव और सल्फेट आयन दोनों बराबर थे, यानी टू नेगेटिव जितने उतने टू पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये सॉल्यूशन न्यूट्रल था। सॉल्यूशन इसमें से अगर कॉपर टू पॉजिटिव चला गया तो पीछे कौन रह गया, सल्फेट, तो ये भी इसकी भी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई, राइट, ये भी न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। ओके, और न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना ये एक नेसेसिटी है इस प्रोसेस की या किसी भी प्रोसेस की, न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहती है। तो यहां पे न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हमें इस सेल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमें कोई ऐसा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कोई डिवाइस, राइट, जो यहां से सल्फेट आयन को ले जाए, यहां से जिंक आयन को ले जाए, जिससे ये बीकर बीकर के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूशन न्यूट्रल रहे, राइट right? ये काम हम सोचते हैं सोल्ट ब्रिज को, SALT सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज एक यू शेप की ट्यूब होती है, यू शेप की, सोल्ट ब्रिज एक यू शेप की ट्यूब होती है ऐसी, राइट right? इसमें हम दो चीजें डालते हैं, एक तो अगर अगर, वैसे मुझे तीन कहना चाहिए, तीन चीजें, अगर अगर प्लस एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो एक्स्ट्रा चार्ज के साथ एक्स्ट्रा चार्ज को यहां से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां दो चीजें डाली जाती है, अगर अगर प्लस इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, तीसरी चीज पानी है, वाटर, राइट, वाटर है जो अगर अगर एक सब्सटेंस होता है जिसका मेन काम है जब हम यहां पानी और इलेक्ट्रोलाइट को घोल के यहां डालें तो अगर अगर उसको जेली में बदल देता है, जेल बना देता है, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बिना पानी के, पानी में जाकर इलेक्ट्रोलाइट्स टूटते हैं, राइट, वो जब इलेक्ट्रोलाइट्स टूटेंगे तभी वो यहां से एक्स्ट्रा आयन को एब्जॉर्ब करेंगे, राइट, और अगर वो टूटेंगे कब, जब वो पानी में है। अगर हमने पानी और इलेक्ट्रोलाइट घोल दिया और इसको ऐसे लगाया जाता है, ऐसे हमने उसे लगा दिया तो क्या होगा, सोचो, पानी और इलेक्ट्रोलाइट सब बीकर में चले जाएंगे, ये ट्यूब खाली हो जाएगी यहां से। तो हम इसमें अगर अगर डालते हैं जिसका काम है पानी और इलेक्ट्रोलाइट को जेल में कन्वर्ट करके उसे सोलिडिफाई कर देना, राइट, उसे जेल में कन्वर्ट करके सोलिडिफाई कर देना, ये काम है अगर अगर का, राइट। तो यहां अगर अगर पानी और इलेक्ट्रोलाइट ये तीन चीजें मिक्स करके तब हम इसमें इस यू शेप की ट्यूब में डालते हैं, फिर इसको टिल्ट किया जाता है, फिर इसको यहां रख दिया जाता है। इसका मेन काम है जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, यहां से कुछ जो भी, जैसे सल्फेट आयन यहां से आएगा तो ये एक्स्ट्रा चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता रहेगा। ओके, तो सोल्ट ब्रिज का काम क्या है, सोल्ट ब्रिज का काम है न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना। इसके साथ साथ ये एक और काम करती है, वो ये है कि ये सर्किट को कंप्लीट करती है, इलेक्ट्रॉन यहां से जाते हैं, ये सर्किट कंप्लीट होता है, यहां कुछ चार्ज यहां से, कुछ चार्ज यहां से, तो सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक भी सेल काम नहीं करती। ओके, सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी एंड टू कंप्लीट द सर्किट। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ट्यूब व्हिच कंटेन्स सम इलेक्ट्रोलाइट एंड अगर अगर, राइट, यहां वाटर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, सेकंड थिंग, एक बात और छोटी सी याद रखना, ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जो यहां पे प्रेजेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट ना करे, ऐसा ना हो रिएक्ट करके ये हमारे इस एक्वस सॉल्यूशन को कुछ और बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहां ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेना है यहां इसमें सोल्ट ब्रिज में, जो एक्स्ट्रा आयन को तो एब्जॉर्ब कर ले बट हमारे इस एक्वस सॉल्यूशन को डिस्टर्ब ना करे। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारी गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल। ओके,
तो ये हमारी पहली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल थी जिसमें हमने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं डेनियल सेल के पास। बच्चों ये हमारी दूसरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इस बार स्पेलिंग सही है, DANIELCELL, डेनियल सेल। ओके, ये हमारी जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें दूसरी तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ये आपको लैब में बहुत कॉमनली दिख जाती है। देखिए डेनियल सेल क्या होती है, एक्चुअली डेनियल सेल ना कॉम्पैक्ट फॉर्म है गैल्वेनिक सेल की। उसमें दो बीकर लिए थे, इसमें एक ही बीकर में हम सारा काम कर देंगे। वही एज ए सॉल्ट ब्रिज हम कोई दूसरा सब्सटेंस लेंगे जो सॉल्ट ब्रिज की तरह बिहेव करेगा, एक ही जगह कैथोड एक ही डब्बे में, वही एनोड सब वही रहेगा। जरा देखो ये मेरे पास कॉपर का बना हुआ एक भी मैं कह सकता हूं एक डब्बा है, इट्स काइंड ऑफ बॉक्स जो कॉपर का बना हुआ रहता है। ओके, इसके अंदर एक हम पोरस पोर्ट, ये एक व्हाइट कलर का होता है जिसका काम होता है एक्स्ट्रा आयन को एब्जॉर्ब करना, जो सॉल्ट ब्रिज की तरह इस सेल के अंदर न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। जरा देखो ये पोरस पोर्ट, ये कॉपर का बना हुआ है राइट। ये मोस्ट प्रोबेबली आपने लैब में देखा भी है, बट ऐसा हो सकता है कि आपको दिमाग में ना आ रहा हो कि आपने इसे देखा भी है, ये शायद आप ना सोच पा रहे हो। जरा देखो सबसे पहले ये, अच्छा ये जिंक की इलेक्ट्रोड है, जिंक की। सबसे पहले हम एक कॉपर का बॉक्स लेते हैं राइट, कॉपर का बना हुआ, उसमें हम कॉपर सल्फेट डाल देते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कॉपर को किसके कांटेक्ट में रखा गया है, उसके आयन के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट एक्वस के कांटेक्ट में राइट। या ये जिंक का बना है तो इसके अंदर जो हमने दूसरा डब्बा लिया है उसके अंदर हम भर देते हैं जिंक सल्फेट, जिंक को जिंक सल्फेट के आसपास रखा गया है और कॉपर को कॉपर सल्फेट के आसपास। ये जो सॉल्यूशन है अंदर, ये जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, ये कॉपर का बना हुआ है, ये जिंक का, यहां हमने जिंक और कॉपर को कनेक्ट कर दिया। ओके, यहां से कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सेम रिएक्शन। जिंक पे क्या होगा, जिंक टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा, यहां ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये एनोड है, एनोड नेगेटिवली चार्ज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में राइट। ये मेरा जो बाहर का पूरा कवर है डब्बा है वो कैथोड की तरह काम करेगा, यहां कॉपर टू पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में बदल जाएगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब कैथोड, कैथोड मतलब पॉजिटिव इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, जो ये पोरस पोर्ट हमने दिखाया है ये एक्स्ट्रा चार्ज को एब्जॉर्ब करता रहेगा, यहां से अगर जैसे जिंक रिलीज होगा तो जिंक आयन को एब्जॉर्ब करेगा, या मैं कह सकता हूं ये पोरस है तो चीजों को आयन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता रहेगा, जैसे एक्स्ट्रा जिंक हो गए तो उसे दूसरे साइड भेजकर जिंक सल्फेट के साथ, वहां सल्फेट एक्स्ट्रा रहेंगे क्योंकि कॉपर टू पॉजिटिव आ गया, तो उन दोनों को मिलाकर न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा। ओके, ऐसे काम करता है हमारा डेनियल सेल, इट्स ए कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रॉन, ये जिंक है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ आ रहे हैं तो करंट इस तरफ, आई एम सॉरी टू लिखने की जरूरत नहीं है, करंट इस तरफ और करंट इस तरफ, तो इसी साइड मेरी नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। ये है बच्चों हमारा डेनियल सेल। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक और पार्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही हिस्सा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं पोटेंशियल वर्ड का मतलब होता है क्षमता, टेंडेंसी। जैसे हम बहुत बार बच्चों को कह देते हैं तेरे अंदर बड़ा पोटेंशियल है, या बड़े लोगों को भी कह सकते हैं, कह रही बात कि बड़ा पोटेंशियल आपके अंदर, आप कुछ कर सकते हैं। तो पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी, ताकत। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये हम यहां इलेक्ट्रोड के किस ताकत की बात कर रहे हैं ये समझना इंटरेस्टिंग है। देखो बच्चों, जब हम किसी मेटल को उसके आयन के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, जब हम किसी मेटल को, जैसे ये मेरी कोई मेटल है, जैसे ये मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या लिया था, जिंक ले लेते हैं, ये जिंक है और ये किसका सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का, मतलब उसके
आयंस का सॉल्यूशन है, जिंक के आयंस का ही सॉल्यूशन है, हमने जो इलेक्ट्रोड ली ये उसी के आयंस का सॉल्यूशन है, पहली बात। दूसरी बात, अब जिंक के इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। जब किसी मेटल को उसके आयन के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, देन द टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट, इज कॉल्ड इट्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल। ओके, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपली नथिंग बट द टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन व्हेन मेटल इज प्लेस्ड इनटू इट्स आयोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तब उसके इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। अब अगली समस्या ये है कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले कैसे, मतलब ठीक है भाई साहब इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ओके, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले कैसे। जैसे इस मेटल, ये कोई मान लो ये जिंक है, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक की टेंडेंसी कितनी है इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की, ये कैसे निकाले और ये कैसे बताएं। तो इसमें हमारी हेल्प की मैथमेटिक्स ने, हम मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और वो वैल्यू हमें बताती है कि उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिंक का, राइट, और ये इसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं या इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी दूसरी मेटल के साथ कि भाई अच्छा तेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, तेरा इलेक्ट्रोड लूज करने का टेंडेंसी इतना है, जिंक का इतना है, तेरा तो कम है, राइट, उस मेटल से कह सकते हैं, राइट, क्या कह सकते हैं, अरे तेरा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है जिंक से। ओके, सो अब सवाल उठता है ये वैल्यू निकाले कैसे या ये वैल्यू कैसे निकाली गई, आई एम सॉरी, ओके, जिससे जिसकी हेल्प से हम कंपेयर कर पाए दो या दो से ज्यादा मेटल्स को कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, ये निकाली कैसे गई, ये जानना इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नथिंग बट द टेंडेंसी टू लूज द गेन और गेन द इलेक्ट्रॉन व्हेन मेटल इज प्लेस्ड इनटू इट्स आयनिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नथिंग बट ए मैथमेटिकल वैल्यू, राइट, उस वैल्यू की हेल्प से हम मेटल्स को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, देखते हैं बच्चों ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये वैल्यू वोल्ट में आती है, राइट, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं ये कैसे निकाली जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए बच्चों, मान लो ये हमारे पास एक सेल है, इसमें कैथोड है, ये मान लेते हैं कैथोड है, कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है या ये कैथोड पॉजिटिव, ये एनोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ओके, यहां पे जो वोल्टेज हमें मिल रहा है, जो पोटेंशियल हमें मिल रहा है, राइट, वो किसका पोटेंशियल है, वो एम का पोटेंशियल है या इस एन का पोटेंशियल है? जवाब है दोनों का, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी अकेले काम कर ही नहीं सकता, राइट, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल हमें मिल रहा है, जितने भी वोल्ट या हमें दिख रहा है इस वोल्ट मीटर में या गैल्वेनोमीटर में, वो वोल्टेज या वो पोटेंशियल दोनों का है, इसका भी है और इसका भी है। ओके, तो अकेले इसका पोटेंशियल कैसे निकाले या इसका कैसे निकाले, जवाब है हम निकाल ही नहीं सकते, हम किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता ही नहीं सकते। ये हमारे सामने एक समस्या है, समस्या थी, मैं सही मायने में अगर बोलूं तो ये समस्या थी हमारे सामने कि जब हम मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल ही नहीं सकते तो मेटल्स को कंपेयर कैसे करें, कैसे कहें कि तू ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तू ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, कैसे कहें, इसका समाधान हमने अलग ढंग से निकाला। हमने बच्चों एक इलेक्ट्रोड डिजाइन की जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने जीरो माना, मेरे शब्द पे ध्यान दीजिए, हमने जीरो माना और एक एक करके हर मेटल को उसके साथ जोड़ते चले गए, जो वैल्यू आती गई उसको लिखते गए, अच्छा तेरा इतना आया जब उसके साथ कनेक्ट किया, तेरी वैल्यू इतनी आई जब उसके साथ कनेक्ट किया, उसको फिक्स किया। हमने कहा तेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है और जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा जो तेरे साथ कनेक्टेड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो, राइट, इससे फायदा ये हुआ कि उसके साथ जोड़ के हमने बहुत सारी मेटल्स को देखा, राइट, और उन मेटल्स को कंपेयर करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे एक इंची टेप होता है, एक इंची टेप हम बना देते हैं और उस इंची टेप, अच्छा इस इंची टेप के तू यहां आ रहा है तेरी हाइट ये है, तू इस इंची टेप के यहां आ रहा है तो तेरी हाइट इतनी है, तो जो वो इंची टेप है वो एक रेफरेंस पॉइंट है, राइट, उसके आधार पे हम बाकियों की हाइट
कंपेयर कर सकते हैं। वैसे ही यहां पे हमने एक ऐसा ऐसा इंचिटेप डिजाइन किया जिसको जिसको हर एक मेटल्स के साथ जोड़ते चले गए, राइट, और फिर हमने उन मेटल्स को कंपेयर किया, ओके, और उस इंचिटेप उस इलेक्ट्रोड को हमने नाम दिया एनएचई और एसएचई। इंचिटेप मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, राइट, कहीं इंचिटेप भी यहां बोल, हमने एक इलेक्ट्रोड डिजाइन की जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने जीरो माना और उसका जीरो मानकर हर मेटल को उसके साथ जोड़ते चले गए। जो वैल्यू आती गई हमने कहा वो मेटल की है, इसकी तो हमने जीरो मान ली क्योंकि हम इसके अलावा किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल ही नहीं सकते थे, इसलिए हमने रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, एब्सोल्यूट हम निकाल नहीं सकते थे। रिलेटिव का मतलब किसी से रिलेट करके, ओके, राइट, और उस इलेक्ट्रोड को हमने नाम दिया एनएचई और एसएचई, उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को, राइट, उस रिलेटिव को जिसको हमने जीरो माना उसको हमने नाम दिया एनएचई, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका मेन उद्देश्य था कि बाकी मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपेयर कर सके, इस तरह की वैल्यू देना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस तरीके से वैल्यू देना कि बाकी मेटल्स को हम कंपेयर कर पाए, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे एनएचई या एसएचई भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, राइट। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसको एज ए रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम जीरो मान रहे हैं। जरा देखिए ये क्या होती है, इसमें हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं HCl का वन मोलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वन मोलर यू नो, जैसे एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वैसे ही कंसंट्रेशन के मामले में जब कंसंट्रेशन वन मोलर हो तो हम उसे स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन कहते हैं, राइट। तो HCl का जो सॉल्यूशन बनाया वो वन मोलर बनाया, स्टैंडर्ड बनाया, इसको हटा देते हैं, ओके। यहां पे हमने एक और बीकर रखा, राइट, नॉट बीकर, आई एम सॉरी, यहां हमने एक ट्यूब रखी जिसमें से हमने हाइड्रोजन गैस पास की विद वन बार प्रेशर, इसको भी वन बार प्रेशर, मतलब इसको भी हमने स्टैंडर्ड रखा, मतलब जैसे ही प्रेशर कम या ज्यादा होने लगता हम मेंटेन करने के लिए और हाइड्रोजन देते या हाइड्रोजन गैस वहां से निकालते, बट प्रेशर को कॉन्स्टेंटली वन बार रखा इस ट्यूब के अंदर। ये जो नीचे इलेक्ट्रोड देख रहे हो ये प्लेटिनम की बनी रहती है, यहां पे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन जो होता है वो इस इलेक्ट्रोड के आसपास होता है। बाकी हमने दूसरे साइड क्या लिया, दूसरे साइड वो मेटल ली जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था, मेटल को उसके आयन के सॉल्यूशन में, मतलब जैसे जिंक था तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, राइट, यहां से इसको कनेक्ट किया, ये गैल्वेनोमीटर, ये सॉल्ट ब्रिज जिसके बगैर ये काम नहीं करेगा, ओके। अब जो भी वैल्यू है, जो भी ये वैल्यू हमें दिखा रहा था, हमने कहा वो किसकी वैल्यू है, हमने कहा वो इसकी वैल्यू है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है, ये एनएचई या एसएचई है, ओके। अच्छा, पहले कोई दूसरी मेटल रखी, फिर तीसरी मेटल रखी, फिर चौथी मेटल रखी, ऐसे नॉन मेटल्स भी इवन रखते गए हम, राइट, और जो भी यहां वैल्यू मिलती गई हम उन वैल्यूज को एक सीरीज में रखते गए, बच्चों एक टेबल बनाई हमने, राइट, इस मेटल की वैल्यू इतनी है, इस मेटल की वैल्यू इतनी है, इस मेटल की वैल्यू इतनी है, और इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लिया हमने, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, और इसकी वैल्यू हमने ली 0.00। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो लिया, ये रिएक्शन वहां हो रही है, ओके। थोड़े से आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो भी कुछ नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ओके। ये सॉल्ट ब्रिज है, हमने पहले यहां पे जिंक लिया, जिंक की वैल्यू रख दी, राइट, अच्छा, जो रिएक्शन यहां हो रही थी जैसे इसके रिस्पेक्ट में अगर इसका रिडक्शन हो रहा था तो हमने कहा जो वैल्यू मिली वो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर इसके रिस्पेक्ट में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था मतलब इसका रिडक्शन कैसे होगा, जो ये HCl का H पॉजिटिव देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, और H2 में बदल जाएंगे, ऐसा कब होगा, जब इसका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, जब इसका रिडक्शन हो रहा था तो इसका ऑक्सीडेशन। अब सवाल उठता है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, अगर मैं क्लास में होता तो आपसे पूछता और आप कहते Cl नेगेटिव का, जो गलत जवाब होता,
यहां ऑक्सीडेशन होगा एच टू का, मतलब एच टू का ही रिडक्शन, सॉरी एच का ही रिडक्शन और एच का ही ऑक्सीडेशन, दोनों ही केस में, चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात आए या गेन करने की, हाइड्रोजन ही इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, राइट? कब लूज करेगा? तब ये गेन कर रहा है, राइट? और अगर ये गेन कर रहा है तो इसका रिडक्शन हुआ, तो जो वैल्यू है हमने कहा वो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, राइट? जब इसने इसका रिडक्शन हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन, कोई दूसरी मेटल होगी, दूसरी मेटल को हमने देखा भाई इसके रिस्पेक्ट में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमने उस मेटल की उस वैल्यू को नाम दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट? व्हेन दिस मेटल गेट रिड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू एनएचई नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देन द वैल्यू इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल. व्हेन दिस इज रिड्यूस्ड एंड दिस वन ऑक्सीडाइज, देन हमने कहा कि जो वैल्यू है वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है? तो इसके रिस्पेक्ट में हम देखते गए और हमने एक वैल्यू हमने एक टेबल बनाई, जैसे Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होगी वहां, राइट? और इससे जो पोटेंशियल मिलेगा वो मिलेगा -0.76 वोल्ट, राइट? ऐसे हमने वैल्यू रखते गए एक टेबल में, इस टेबल को नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आई एम सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ध्यान सिर्फ आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाने में है, एक बार आपको दिखाना चाहूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नॉट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उस सीरीज को, उस टेबल को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें बहुत सारी मेटल्स रखी हुई थी इस बेस पे कि उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। ये जो वैल्यूज आप देख रहे हो, राइट, ये जो टेबल आप देख रहे हो, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर आप शायद देख पा रहे हैं तो ऊपर लिखा भी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो ये टेबल है, ये टेबल जिसमें हमने मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है, अगर यहां रिडक्शन रिएक्शन में रिडक्शन दिखा रखा है तो यहां रिडक्शन पोटेंशियल है, राइट? अगर यहां ऑक्सीडेशन दिखा रखा है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। वैसे ज्यादातर किताबें रिडक्शन पोटेंशियल ही दिखाती है, बस आप रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर दो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाता है, राइट? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को माइनस कर दो वो रिडक्शन पोटेंशियल बन जाता है, ठीक है बच्चों? तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक बार दोबारा से वाइंड अप करने से पहले, इस टॉपिक को खत्म करने से पहले, मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, हमने अलग अलग मेटल्स को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा और उसकी जो वैल्यूज आई उन मेटल्स की, उसको एक टेबल में रखते गए, एक सीरीज में रखते गए, इस सीरीज को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो हम मानते हैं, तो वहां जीरो ही मेंशन होगा और उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। अगर यहां रिडक्शन रिएक्शन लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन लेते हुए दिखा रखा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ज्यादातर बुक्स रिडक्शन पोटेंशियल ही दिखाती है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है। अगर मैं पूछूं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है तो आप कहेंगे +0.76 वोल्ट। ओके बच्चों, राइट? लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और है, फिर बात खत्म करते हैं आज की। आपके पास कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसको एक लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कैसे जरा देखिए। इसे सेल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। इसके लिए आप याद रखेंगे एबीसी। एबीसी का मतलब सबसे पहले एनोड लिखिए, जैसे जिंक और कॉपर के केस में जिंक एनोड था, तो जिंक टू पॉजिटिव, ये उसकी जो कंसेंट्रेशन, अभी बात करेंगे कंसेंट्रेशन क्या होती है। ब्रिज दो डंडे दिखाओगे, ऐसे दो लाइंस दिखाओगे, ये सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। सी का मतलब कैथोड, अब जो कैथोड है उसको लिखो। कॉपर टू पॉजिटिव, उसकी कंसेंट्रेशन जितनी भी थी, अभी बात करेंगे कंसेंट्रेशन से क्या मतलब है ये। तो जिंक जिंक टू पॉजिटिव, जैसे ये था हमारे पास, कुछ ऐसा था हमारा सेल, राइट? ये जिंक, ये कॉपर, तो जो ये सोल्यूशन है जिंक सल्फेट का, इसकी कंसेंट्रेशन लिखनी है। जैसे अगर यहां आपने 2 मोलर जिंक सल्फेट लिया है, 1 लीटर में 2 मोल घोल रखे हैं, तो यहां लिखोगे 2 मोलर, राइट? यहां आपने कॉपर सल्फेट लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर 1 मोलर है तो यहां लिखोगे 1 मोलर। जिंक और कॉपर, इसके आगे कुछ नहीं लिखना, क्योंकि जिसपे चार्ज नहीं वो घुल नहीं सकता, राइट? और जो घुल नहीं सकता उसकी कंसेंट्रेशन क्या लिखे हम, ओके? तो कॉपर और जिंक के आगे कुछ नहीं लिखना, बट जिंक टू पॉजिटिव, इस सॉल्यूशन में जिंक टू पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन क्या है, इस सॉल्यूशन में कॉपर टू पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन क्या है, वो यहां मेंशन करना है। तो किसी भी सेल को इस तरीके से हम दिखाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सेल रिप्रेजेंटेशन, एनोड ब्रिज कैथोड,
एबीसी, याद रखना लेफ्ट साइड में एनोड आएगा, राइट साइड में कैथोड आएगा, ठीक है। अगर आपने उल्टा लिख दिया तो इसका मतलब आप कोपर को एनोड मान रहे हैं जो कि वहां नहीं हो रहा, राइट। तो आप गलत लिख रहे हैं, आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका और है, लोन 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 का मतलब होता है लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, यानी यहां पे ऑक्सीडेशन होता है लेफ्ट साइड पे और वो एनोड कहलाती है और उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। ये काफी फेमस है लोन, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन, राइट लेफ्ट वाले पे ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होगी और उस पे नेगेटिवली चार्ज होगा अगर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो, राइट। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगी तो आपको पता है एनोड पॉजिटिवली चार्ज होती है, राइट। बट आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की जो जिसमें हम देखते हैं कि एनोड नेगेटिवली चार्ज होती है। दैट्स इट बच्चों, ये था सेल रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच।